कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है। इसकी जवाब तो, इसका जवाब तो मैं देता हूँ कि माशाल्लाह इसी की, क्योंकि अगर मेरा करियर स्टार्ट में मैं 8-9-10 दफा रन आउट हुआ। अंदर जब हम जा रहे थे तो डिस्कस यही चल रहा था कि पहले हम देखेंगे विकेट पे क्या चल रहा है, क्या पेस आ रही है, क्या विकेट बिहेव करेगा। हमने एक दो ओवर लिए और उसके बाद जब विकेट की पेस का और बॉलिंग स्ट्रेंथ का पता लगा तो उस हिसाब से फिर हमने प्लान किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चार्ज किया, मैंने थोड़ा सा, ये था कि मेरी शॉट्स लगी और मेरे ख्याल से रजी भाई आप थोड़ा सा कुछ बॉल स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कोशिश मेरी यही थी वहाँ पे कि मैं प्रेशर ना आने दूँ इन पे, और वहाँ पे एक पार्टनरशिप हम बनाए। और उसके बाद हमारी जो बात यही चल रही थी कि 10 ओवर 8 ओवर हमें लेके चलना है, क्योंकि हम जितना यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप करेंगे, जितनी लंबी पार्टनरशिप करेंगे, जो नए बैट्समैन आएंगे उनके लिए इजी होगा। तो बस हमारा यही प्लान था। कप्तान ने कह दिया, अब मेरे ख्याल से हम हमारी सबसे मेन चीज़ जो होती है हमारी अंदर की डिस्कशन होती है, क्योंकि अलहमदा सब वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है हमारे पास इस टाइम टीम पे होता है। तो मगर इसके बावजूद हमारा जो, मुझे लगता है जो मेन काम है वो हमारा एक दूसरे को साथ, जब हम कोई भी हमें से कोई भी पावर हिट पे जाता है तो एक दूसरे से पूछ के चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हम दोनों को वो स्ट्रेंथ देता है कि अगर नॉन स्ट्राइक पे मैं होता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कप्तान का यहाँ पे बेस्ट क्या है, अगर कप्तान देखता है तो मुझे कहता है कि नहीं अभी पावर हिट का टाइम है या नहीं है, तो मुझे वो सिलेक्शन में आसानी, हमारी हम एक तरीके से मशवरे से हम जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी आसानी होती है। जिस तरह आज भी अलहमदिल्ला हुआ है, साउथ अफ्रीका में भी इस तरह अलहमदिल्ला हुआ था, 197 तक गए थे। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारी डिस्कशन है अंदर होती है, बाकी हमारे अल्लाह पाक मदद फरमाता है। कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है। इसकी जवाब तो, इसका जवाब तो मैं देता हूँ कि माशाल्लाह इसी की, क्योंकि अगर मेरा करियर स्टार्ट में मैं 8-9-10 दफा रन आउट हुआ हूँ तो हमने इसके साथ तो काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हमारे आपस में अच्छी हुआ, मगर इसकी ज़्यादा कॉल्स मेरे से ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से अलहमदिल्ला सब कुछ बेहतर जा रहा है। वही हमारा बिलीव होता है एक दूसरे पे कि जब भी गैप में जाता है तो हम एक दूसरे पे बिलीव रखते हैं, और वो मोस्टली हम उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं कि यार हम उस रन को 2 में कन्वर्ट कर लें। कभी कभार हम कॉल भी नहीं करते और हम भाग जाते हैं, और क्योंकि आंखों में थोड़ा सा इशारे हो जाते हैं और हम भाग जाते हैं रन से, और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन हमारी काफ़ी अच्छी है। अर्ली ऑन हमने थोड़ा विली पे थोड़ा था हमारा प्लान, क्योंकि उसको स्विंग मिल रहा था और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा था, तो हमारा यही प्लान था कि इसको थोड़ा सा केयरफुल होकर खेलना है। और बाकी हमने उसके बाद 2 ओवरों बाद कॉन्फिडेंस आया, एक जो बाउंड्री लगी जिसकी वजह से हमने मोमेंटम पकड़ा और उसी मोमेंटम को लेकर चलते रहे। और फिर उसके बाद हमारा यही प्लान था कि हमने 10 ओवर जाना है, जो मर्जी हो हमें एक ओवर में अगर चांस भी लेना है तो हम लेंगे, इवन रिजवान ले या मैं लूँ, हमारा यही पे अंदर डिस्कशन यही चल रही थी कि एक बाउंड्री के साथ हमने लाजमी जाना है। देखिए जी, अर्ली ऑन हमारा जिससे मैंने आपको डिस्कशन की बात की है, तो सिर्फ ये डिस्कशन नहीं होती कि मतलब सिर्फ किसने हिट पे जाना किसने नहीं जाना, हम हर एक तरीके से प्लान करते रहते हैं कि अगर किसी एक के लिए डिफिकल्ट है दूसरा उस पर चार्ज करता है, तो ये हमारी डिस्कशन अंदर चलती रहती है कि जैसे अगर आपने शुरू में पूछा कि हम अर्ली ऑन, तो अर्ली ऑन सिर्फ हम एक ओवर दो ओवर के लिए जो असेसमेंट हम लेते हैं पहले हम दोनों में से, तो वो एक टाइम होता है जो हम सेस करते हैं, किसी प्लेयर को प्लान नहीं करते। हाँ, मगर ये कि हिट के लिए हमेशा हम प्लेयर को जब प्लान करते हैं, जैसे मुझे समझ में आता है कि यार इसको मैं इजीली टैकल कर सकता हूँ तो मैं, कप्तान मुझे इजाज़त देता है, जब मुझसे थोड़ा सा प्रेशर वो होता है तो कप्तान कहते हैं मैं इसको टैकल कर सकता हूँ। उसी तरह सेम उसी तरह पार्किंसन का अर्ली ऑन थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे ख्याल से, अब ब्लेम तो नहीं मगर यहाँ पे थोड़ा सा बैक ऑफ जो स्क्रीन के साथ थोड़ा सा काफ़ी वो ज़्यादा था, इसकी वजह से मुझे इतना ईजिली जज नहीं हो रहा था, मगर बहरहाल जैसे हम डिस्कशन हमारी वैसी थी, कप्तान ने कहा कि मुझे स्ट्राइक दे उस पर, आप सीधे बल्ले से जाओ और जहाँ पे कॉन्फिडेंट आ गया आपको तो हम दोनों उसको पकड़ लेंगे। तो वही बात, फिर अर्ली ऑन थोड़ा सा फिर स्ट्रेट बैट से गए, जिस 6 बॉलों में 6 रन हुआ है, उसके बाद पकड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने अच्छा टॉट लगा दिया। मैं तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, जिस तरह हमारे पूरे प्लेयर्स जितने भी प्लेयर्स है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई। देखें मिस्टेक्स होती हैं लेकिन प्लेयर्स वही होती हैं, टीमें वही होती हैं, जो उस चीज़ को जितना ओवरकम करें उतना अच्छा, और जितने कम मिस्टेक करेंगे उतना आप जल्दी इम्प्रूव करते हैं और मैचेस जीतते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी को, इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू करेंगे और इसी को लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सीरीज जीतें। बिल्कुल जी, जैसे कप्तान ने कह दिया, मैं इस बातों को सेकंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमेंटम बना हुआ है सारे, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑर्डर अलहमदिल्ला से लेके मतलब मिडल ऑर्डर सारे प्लेयर फॉर्म में इस मैच में नजर आए, बॉलर्स भी मजे नजर में आए, अलहमदिल्ला डिसीजन सब कुछ बहुत मजे से हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह सीरीज को अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे, और सबसे दुआओं की दरख्वास्त है।